السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قریب ہے یارو روز محشر، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. زندہ دل بزرگو، شیر دل نوجوان بھائیو، پھول دل ننے منے ساتھیو، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام مسلمانوں کے نام، اس عنوان کے تحت آج کی ہماری یہ ملاقات جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ. دنیا اپنی اپنی سوچ، اپنی نظر اور اپنے عقیدے اور عقیدت کے مطابق ایام محرم میں اپنی باتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے مذہب اور اس کی ہم نوائی کو یا اپنے مسلک کی ترجمانی کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لگا کر کے دنیا کو باور کراتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے. حالانکہ ان کا اس پیغام سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا ہے. ہر مسلمان کو ذمہ دار ہونے کے ناطے کہ وہ ایک مسلمان ہے، اس کے الفاظ میں بہت ہی احتیاط ہونی چاہیے، اور جو چیز وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لگائے اس کو اس کے اندر پوری ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. اہل بیت اطہار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پھول جس طریقے سے ان کو مسئلہ گیا، آج کے ہر درد دل رکھنے والے مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے مومن کا یہ ذہن ہے کہ جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے برا کیا ہے، یہ صفاقیت ہے، درندگی ہے، اور دنیا کے اندر دھوکہ دہی کی، عیاری کی، مکاری کی بڑی مثالوں میں سے ایک زندہ مثال ہے. ہم مسلمان کسی بھی اس شخص کی پشت پناہی نہیں کرتے جنہوں نے ان کی اس شہادت کے اندر، یقیناً انہیں شہادت سے اللہ نے وہ مقام دیا کہ جو ایک اللہ کے راستے میں نکلنے والے انسان کو ملنا چاہیے، اور ان عظمتوں سے نوازا کہ جن عظمتوں نے
उनकी जिंदगी को पहले से बढ़ के और भी चार चांद लगाया। लेकिन मैं यहां सबसे कबल ये वजाहत कर दूं कि सैयदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो की अजमत के लिए इतना ही काफी है कि खुद जुबाने रसूल मकबूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान की वही ने, जिब्रील अमीन ने उनकी अजमत को बयान किया। और ये अजमत सारी दुनिया मिलकर छीनना चाहे छीन नहीं सकती, न कल कोई छीन सका ना आज छीन सकता है। लेकिन इसका माना यह नहीं कि उनकी इस हकीकी अजमत को जो वही के जरिए आई है उसमें अपनी तरफ से इजाफे करके ज़ईफ मनघड़त मौजू रिवायात को लाकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लगाया जाए। जनाबे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात, उनकी हस्ती और उनकी अजमत मुस्तगनी है ऐसी तारीफ से जो तारीफ उनकी तनकीस का सबब बने। मैं मिसाल देना चाहूंगा, आज हमारी हुकूमत और हमारे मीडिया ने मरऊब होके मिली भगत के साथ जो तीन काम शुरू कर रखे हैं, शायद कयामत के दिन अल्लाह को तो जो हिसाब देना है वो देना होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से समझता हूं कि सैयदना हुसैन का जब आमना सामना हुआ इस कौम के साथ तो इस कौम की नजरें शर्मिंदगी से उनके सामने भी झुकी हुई होंगी। पहली चीज, मेरे इस मुल्क के अंदर फौज पर, हुकूमत पर जिस कदर सरमाया लगाया जाता है उसमें गरीब आवाम का खून बराबर का शरीक है। उसमें किसी मसलक की तफरीक नहीं की जाती, सबसे बराबर और डंडे के जोर पे लिया जाता है। लेकिन जब मुहर्रमुल हराम आए तो क्या जनाबे हुसैन यही पैगाम देके गए थे रदी अल्लाह तआला अन्हु कि अदल और इंसाफ का दामन मेरे नाम पे छोड़ देना? कुछ लोगों को पूरे 12 महीने अपनी इबादत गाहों के अंदर भी बात करने पे, गुफ्तगू करने पे और इबादत करने पे पाबंदियों का सामना करना पड़े, और अदलो इंसाफ और अमने आमा का ढंढोरा पीटने वाले हमारे ये वडेरे कुछ लोगों को सिर्फ अपनी इबादत गाहों में नहीं, गलियों में, बाजारों में, खुलेआम चौकों में, पार्कों में, चौराहों में, लोगों के घरों के सामने बासियों को बंद कर दिया जाता है वहां के रहायशियों को, और पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके उन लोगों को शेल्टर देके पूरे तहफ्फुज़ के साथ जो है ये काम किया जाता है। जब ये चीज दुनिया देखती है तो सैयदना हुसैन की, हां मैं समझता हूं कि अदलो इंसाफ वाली वो दावत और उनके पैगाम का ये कत्ल हम सब कर रहे होते हैं। दूसरी बात, ये जितना सरमाया अगर इंसाफ करना है बराबर करो। जिस तरह मुहर्रमुल हराम के महीने में 2% लोगों को खुलेआम और बाकी लोगों को बंद कर दिया जाता है, बाकी 11 महीनों में इन 2% को बंद किया जाए और 98% लोगों को बाहर इसी तरह मवाके दिए जाए, हुकूमत दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए। भाइयों, दूसरी चीज, माल पैसा सबका, लेकिन उस माल से, उस पैसे से आज गाड़ियों को देखें, उनमें जलते हुए पेट्रोल और CNG देखें, असलहा देखें, हुकूमत के दिन रात एक करने देखें, और फिर फौज और सिपाह पे खर्चे देखें, और सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अरबों खरबों लुटा देने को देखें, ये चीज सिर्फ चंद लोगों के साथ क्यों? क्या पैगामे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों को यही था कि चंद एक को नवाजते रहना और बाकियों को उनसे खून, उनके पसीने को नचोड़ नचोड़ के उन पर लगाते रहना? भाइयों, इसकी जितनी मुजम्मत की जाए पैगामे हुसैन के नाम पे ये उतनी ही थोड़ी है। और तीसरी चीज कि सैयदना हुसैन की अजमत को बयान करते हुए
पूरा मीडिया जिस कदर गैर जिम्मेदार हो गया है, शायद आज दुनिया के सामने जिस तरह मर्जी आंखें उठा ले, तारीख के सामने कल इसकी आंखें नीची होंगी और कयामत के रोज रब के सामने, रब के रसूल के सामने और सैयदना हुसैन के सामने इनकी निगाहें उठ नहीं सकेंगी। किस लिए? ये कौन कहलवा रहा है? हुसैन की अजमत क्या यही थी कि रब का अरश नबी के जूतों के नीचे आ गया? और रब का अरश पैगंबर के नालैन के जूतों के नीचे, और नबी के जूते नबी के कदमों के नीचे, और नबी के कदम पैगंबर के टखनों के नीचे, पैगंबर के टखनों के ऊपर नबी की पिंडलियां साकैन हैं, साकैन के ऊपर नबी के रुकबतैन घुटने हैं, घुटनों के ऊपर नबी के फकाजैन दो राने हैं, रानों के ऊपर पैगंबर का शिकमे अतहर है और बतने मुबारक है, बतने मुबारक से ऊंचा पैगंबर का सीना है और सीने से बुलंद महबूब के कतफैन दो कंधे हैं और इन दो कंधों के दरमियान में लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मद का नाम भी, रसूल का नाम भी और अल्लाह का नाम भी, उससे ऊपर नबी के कंधे और कंधों के ऊपर जनाबे अली के कदम या जनाबे हुसैन के कदम। इसलिए अगर हुसैन के मुकाम को जानना है, पैगंबर भी नीचे रह गया और रब भी नीचे रह गया। क्या ये शान हुसैन है? और ये वो पैगाम है जो दुनिया को दिया जा रहा है? लोगों, मेरा रब बनाता ना तो हुसैन को ये अजमत कहां से मिलती? और मेरे हुसैन रजी अल्लाह तआला अपने नाना की तालीमात को अपनाते नहीं तो उनको ये मुकाम कैसे मिलता? लिहाजा इल्मुल कलाम, इल्म मंतक के नाम पे इस तरीके से किताब व सुन्नत को पसे पुश्त डाल के हर चैनल का, हर जुबान का, हर जो है शायर का और हर स्पीकर का ये रुख इसी तरह मोड़ देना, मेरे ख्याल में ये सैयदना हुसैन के पैगाम के साथ ना इंसाफी है, जिसकी खातर उन्होंने रब के रास्ते में शहादत को पेश किया था। आए थोड़ा सा इस बात को भी ले लें, पहला पैगाम हुसैन ये है लोगों, आज 10 मुहर्रम है, पूरी दुनिया जानती है, हम मजलूम लोग पूरी दुनिया मिलके क्या कर रही होती है? कभी मौरद इल्जाम ठहरा रही है कत्ले हुसैन का वहाबियों को, और कभी दियोबंदियों को, कभी सुन्नियों को। हजरात इमाम हुसैन कहके, अलैहि सलाम कहके और उनका नाम पेश करके, यजीदी टोला कहके इन लोगों को ये बावर करवाना कि ये कातिल है। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम है लोगों, मेरा कातिल ना आज का वहाबी है, ना आज का दियोबंदी है, ना आज का सुन्नी है और ना आज का शिया है। ये इंसाफ शायद कोई और नहीं कर सकेगा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज जिम्मेदार होते हैं, जो हकीकत है वो सबके सामने है। आज का कोई शख्स कत्ले हुसैन में मुलव्वस नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर है कौन? जो भी है बुरा है, लेकिन आए पैगामे हुसैन सुनिए। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो आज के जज्बाती और फितरत से हटे हुए, अदल व इंसाफ के दामन को छोड़े हुए मुसलमानों को पैगाम देते हैं कि लोगों, मुजरम लाख तेज निकले, मेरा पैगाम सुनिएगा, जुर्म अपना निशान छोड़ता है। अगर आप तारीख में जुर्म के निशान देखने चलेंगे, मुजरम की निशानदेही हो जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मुजरम को मुजरम कहते हैं या नहीं, आप उस पर पर्दा करते हैं, पर्दा डालते हैं। हजरत इमाम हुसैन के इस पैगाम को याद रखते हुए यह भी अपने जहन में रखिएगा, चोर चोरी करने के बाद साधुओं की सब में शामिल नहीं हो जाया करता क्या? वो चोर मचाए शोर, लगाए जोर, मैं नहीं कोई और, ये हमारे अंदर मुआशरे में देखा नहीं जा रहा है? ये हर दौर में आया है, तारीख के हर हिस्से में आया है। और इसी पैगाम को हुसैन रजी अल्लाह तआला ने दुनिया के नाम कर गए। और इसी तरह दूसरा पैगाम लोगों याद रखना, जनाबे हुसैन ये देखे गए कि आशिक अपने माशूक को, मुहिब अपने महबूब को, दोस्त अपने यार को कत्ल करने के बाद, मारने के बाद कहने लगता है, वावेला करने लगता है, रोने और पीटने लगता है, हाय मारे गए, लूटे गए, जुल्म हो गया, कोहराम मच गया, कातिल को तलाश किया जाए, तख्ताए धार पे चढ़ाया जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, हालांकि उस जुर्म में शरीक वो खुद होता है। इस चीज को भी मत भूलिएगा।
और सैयदना हुसैन एक और पैगाम देके गए, मेरे को मानने वालों, मेरी अजमत को सलाम करने वालों, मेरी शहादत को अपने दिलो दिमाग में अनमिट नकूश लेके चलने वालों, मेरे नाना पे उतरने वाले कलाम का भी कभी मुताला कर लिया करो। ये इस वक्त 12वां पारा है, सूरह यूसुफ है। अरब कहते हैं नहनु नकुसु अलैका अहसन अलकसस, हमने जितने भी किस्से इस दुनिया में उतारे हैं सबसे हुसन में जमाल में अगर कोई किस्सा पहले नंबर पे है तो ये वो किस्सा है जिसे हम सूरह यूसुफ का नाम देते हैं। इसको पढ़िएगा और उसके अंदर क्या पैगाम है। लकद कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिसाइलीन, जब भी कोई कातले हुसैन को ढूंढेगा और उनके कत्ल के मुहर्रकात के पीछे जाएगा, मुजरम को तलाश करने के लिए निकलेगा, उसके जहन में सवाल उठेगा, दिलो दिमाग में कोई जो है बात आएगी, लकद कान फी यूसुफ व इख्वतिही, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों का किरदार जो है ये उन लोगों के लिए वाज़े तौर पर निशानी बन जाएगा, दलील बन जाएगा। हजरात ये कौन कह रहे हैं? सैयदना हुसैन, जिन्होंने इस कुरान को पढ़ा भी, पढ़ाया भी, देखा भी, दिखाया भी, समझा भी, समझाया भी, कि भाई सर जोड़ के बैठे और कहने लगे लयूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, के यूसुफ हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारा है और उसके मुकाबले में हमारी दाल नहीं गिलती, और उसका यूं मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। उक्तलू यूसुफ व अवित्रहुहु अर्दन यकलु लकुम वजहु अबीकुम, ऐसे करो या तो उसको कत्ल कर दो या ऐसी जगह पे लाके बेनामो निशान कर दो कि बाप के सामने ना उसका चेहरा रहेगा ना वो यूसुफ यूसुफ के गुण गाएगा, लिहाजा फारिग कर दिया जाए, कत्ल कर दें, मुल्क बदर कर दें, हमारी रुकावट खत्म हो जाएगी, फिजा साफ हो जाएगी। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, सैयदना हुसैन कह रहे हैं लोगों आयत के इस टुकड़े पे तवज्जो रखना, ये कातल करने वाले, प्लानिंग करने वाले, जुर्म करने वाले, ये मुजरम किस तरीके से प्लान करते हैं। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, ये सारा कुछ करके बाद में नेकी का जो है वो रूप धार लेना, फिर लिबादा ओढ़ लेना, मुत्तकी बन जाना, परहेजगार बन जाना, नेक और सारे लोगों का जो है रूप अपना लेना, हाजी और सूफी बन जाना, प्लानिंग के बाद खैरखा के रूप में आए और कहने लगे या अबाना मालक ला तअमन्ना अला यूसुफ, ए बाप ये यूसुफ हमारा है, हम इससे प्यार करने वाले, आप इसको हमारे साथ क्यों नहीं भेजते। वा इन्ना लहू लनासिहून, हम इसके खैरखा भी हैं, हम इसके बहीखा भी हैं, हम इसके नासे भी हैं, हम इसके हम दर्द और दर्दमंद भी हैं। अरसिलहु मअना गदा, इसको हमारे साथ रवाना कर, हमारे साथ रवाना कर। हजरात जरा पढ़ते जाइएगा और फिर तारीख और हिस्ट्री में सैयदना हुसैन की जिंदगी को, उनके सफरे जो है शहादत को देखते जाइएगा। अरसिलहु मअना गदा, कल जो है हमारे साथ भेजिए, ये खाए पिए खेले कूदे जान बनाए इंजॉय करे मजे से जिंदगी गुजारे। वा इन्ना लहू लहाफिजून, हम इसके मुहाफिज, वा इन्ना लहू लहाफिजून, हम इसके निगरान, हम इसके इर्द गिर्द, हम इसके पहरेदार, हम इसके बॉडी गार्ड, हम इसकी फौज, हम इसके सिपाह, हम इसके सिक्योरिटी गार्ड, हम इसके लश्कर जर्रार हैं। वा इन्ना लहू लहाफिजून, इसके निगरान हम होंगे। किस्सा मुख्तसर खैरखाहों के रूप में बुला के ले गए, जंगल और सहरा में जाके मारा पीटा, जुल्म तशद्दुद किया और जाकर के गैर आबाद और वीराने कुएं में डाला, और फिर जो है पैगाम हुसैन सुनिए लोगों, मुजरम वही होगा जो शाम के वक्त शाम गरीबा मनाता आएगा। तवज्जो कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान कह रहा है, और वो कुरान जिसको हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में अपने पैगंबर, अपने नबी, अपने नाना के हाथों पढ़ा है। क्या हुआ, जब शाम हुई है तो गरीब बेनवा बन करके आ गए। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, शाम पड़ी, अंधेरे हुए, ये रोते हुए आए, वालिद के पास आए, पैगाम दिया हुसैन ने कि जो रोता हुआ आए वो मुजरम होगा, और सर पे हाथ रख के शोर मचाता आए तो मुजरम होगा। अगर मुजरम को ढूंढना है जो धाड़े मार रहा हो ज्यादा, वो मुजरम होगा। जो चीखता हो आ रहा हो और चीखों को बुलंद करता आ रहा हो वो मुजरम होगा। जो मातम और बैन कर रहा हो वो मुजरम होगा। जो शोर और वावेला डाले वो मुजरम होगा। जो गला फाड़ते आए वो मुजरम होगा। आंसू बहाता आए वो मुजरम होगा। जो हाय यूसुफ की सदा लगा रहा है
वो उसी वाके का मुजरम बन के हो आएगा। हकीकत में वो साले के रूप में आ रहा है, तेरे यूसुफ के कातिल हम नहीं वो भेड़िया है, कत्ल यूसुफ असल में मरगे भेड़िया है। ये जुमले जो है पुराने वक्तों में तारीख ने कुरान को अहसनुल कसस बना के पेश कर दिए। हजरात मिलके जो उस वक्त के नारे थे, शायद अगर कोई बनाता तो तारीख यूं लिखती, यूसुफियत जिंदाबाद, यूसुफियत जिंदाबाद, भेड़ियत मुर्दाबाद, भेड़ियत मुर्दाबाद। हाँ हाँ पैगामे हुसैन, झूठी कहानियों का खालिक ये मुजरम होगा। असल मुजरम अगर ढूंढना है, झूठी कहानियां लेके उनमें रंग भर के जो आए, कालू या अबाना, अब झूठ का रंग भरा जा रहा है। कुरान आसमान से उतर आया है, वही रूहुल अमीन लेके आ गए हैं। इन्ना ज़हबना नस्तबिक, ए बाप ए बापू, हम मुकाबले में थे, हम रेस लगा रहे थे, हम दौड़ लगा रहे थे। वह तरकना यूसुफ इंदा मताइना, हमने यूसुफ को अपने साजो सामान के पास छोड़ा। फाकलहु दिब, आया और उसको भेड़िया खा गया। लेके तो हम गए थे, बुलाया हमने था, सैर तफरी में मशगूल हो गए, लेकिन एक भेड़िया आया और इमाम आली मुकाम जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को शहीद कर गया। पैगामे हुसैन है मुसलमानों के नाम, लोगो झूठी अदिल्ला के मूजिद असल मुजरम होंगे। दलील क्या लेके आए? वजाउ अला कमीसे ही बिदमिन कदिब, फिर उसके कमीज को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज को उतार करके ले आए, उस पर झूठा खून रब का कुरान कह रहा है लगा के लेके आए। तारीख और हिस्ट्री के इन हिस्सों को कैसे बदल दिया जाएगा जिसका पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 53 साल पढ़ के, बल्कि 57 साल पढ़ के फिर जो है कौम को शहादत पेश की है। हजराते गिरामी, ये बात आगे बढ़ी। एक तरफ पैगाम हुसैन और सूरह यूसुफ, इसका मुताला कीजिए इन दिनों में। दूसरी तरफ हकायक को देखते जाइए, शोर वावेला मचाने वालों को, और फिर कातिल की तलाश में निकलिए, क्योंकि हमारा मुजरम तो कातिल है। जिसने भी शहीद किया है उन्हें, वो मैं हूं या कोई और हो या कोई तीसरा हो या चौथा हो, जो भी है वो मुजरम है, वो गलत है। इसी तरह का एक वाक्य सन 61 में पेश आया। 61 में जनाब हुसैन रजी अल्लाह को अनहो को और उनकी आल को कूफा के कुर्बो जवार में बड़ी बेदर्दी और सफाकी के साथ शहीद कर दिया गया। पैगामे हुसैन अगर लेके एक मोमिन निकले तो कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे उसके जहन में बात आती है, इस वाक्य की बैकग्राउंड क्या थी उसके सवाल पैदा होता है, आपके कत्ल के लिए कूफा की सरजमीन इस्तेमाल क्यों की गई, कातिल कौन था, आपको शहीद किसने किया है और वो क्या करना चाहता था। हजरत ये सवालात लेके जब कोई एक मोमिन कातिल की तलाश में निकलेगा, तारीख के औराक को खंगालेगा, हकायक को टटोलेगा, हक को बातिल की तमीज और छानबीन के लिए माजी के बिफरे हुए समंदर की तेज तुंद लहरों के अंदर से, खूनी लहरों से खेलेगा, चेहरों से नकाब उल्टाएगा, तो आवाज हुसैन आएगी कि यहां तो मुआमला ही कुछ और है, यहां तो उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाला मसला है, यहां तो चोर मचाए शोर लगाए जोर मैं नहीं कोई और का मुआमला है, यहां तो बगल में छुरी और मुंह से राम राम के वाकयात हैं, यहां तो हकायक को मसक कर देने वाला है। होश रुबा जो है वो तिलिस्माती करिश्मे हैं। तारीख के आईने को जो साफ और सुथरा था उसको धुंधला कर दिया गया है कि अगर कोई मोमेंट ढूंढना भी चाहे तो उसके लिए मुश्किल हो जाए। हजरत वाके के असल मुजरमों ने चेहरों पे नकाब डाल लिए, हाथों में दस्ताने पहन लिए और एक आम आदमी की हैसियत से शायर तड़प के बोला, मैं किसके हाथ पे अपने लहू को तलाश करूं, सारे शहर ने तो पहने हुए हैं दस्ताने। आज कौम अपने इर्द गिर्द दस्ताने ओढ़ के अपने हाथों को सेफ कर गई और असल मुजरमों को भागने का मौका दे दिया गया। पैगामे हुसैन, जरा हिस्ट्री की तरफ बढ़िए। सैयदना हुसैन कह रहे हैं, लोगों मैंने अपने नबी के 23 साल दौर के अंदर 7 साल दौरे नबूवत में फैज हासिल किया, मैं अपने महबूब और आका के साथ रहा। मेरा पैगाम यह है कि अगर दुनिया के अंदर आना है तो हुसैन का पैगाम ये नहीं कि मेरे नाम के ऊपर नबी की मुखालफत की जाए, उनकी नाफरमानियां की जाए। मेरा पैगाम यह है कि मैंने अपने नबी के साथ जिंदगी के 7 साल गुजारे हैं, अगर मुझको बड़ा मानते हो तो मेरे नाना के सबक को याद रखना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को भूल मत जाना। मेरे नाना ने पूरी जिंदगी कभी तौहीद के परचम को सरनिगुन नहीं होने दिया। तुम मेरे नाना के नाम पे गैरों को मुश्किल कुशा और हाजत रवा बना के रब को नीचे मत कर देना। हजरात ये पैगाम किताब व सुन्नत को मद्देनजर रख के एक अदल करने वाला मुनसिफ मिजाज, सीरत हुसैन से प्यार रखने वाला शख्स जब इस पैगाम को लेगा तो इसको बयान किए बगैर रह नहीं सकेगा। और सैयदना हुसैन ने पैगाम दिया, लोगो मा आताकुम रसूल, मुझे ये बात मेरे नाना ने पढ़ाई, मेरे नाना ने जो मुझको दिया मैंने ले लिया, वमान हाकुम अन्नु फंतहु, जिससे रोका मैं रुक गया। मेरा पैगाम तुम्हारे नाम ये है,
कि मेरे नाना तुमको जो दें वो ले लो, जो शरीयत दें, जो रिसालत दें, जो कुरान दें, जो अहादीस दें, जो बोल और कौल दें, उनको रद्द मत करना, ठुकराना मत। मेरे महबूब नाना की ये अदाएं तुम ले लेना। व माना हाकुम अनहो फंतहु, तुम्हें झूठ से रोके रुक जाना, फराड से रोके रुक जाना, दो नंबरी से रोके रुक जाना, मिलावट से रोके रुक जाना, मातम से रोके रुक जाना, शोर से रोके रुक जाना, बैन और गले फाड़ने से रोके रुक जाना, ये काम नहीं करने। क्योंकि जिसने मेरे नाना की मुखालफत की उसने मेरे साथ प्यार थोड़ी किया। हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला पैगाम दे रहे हैं, लोगों मेरे नाना ने जब मैंने 7 साल उनके साथ गुजारे, अपनी कौम और मिल्लत को अलल महज्जतिल बैजा छोड़ा, 11 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसके बाद मेरे नाना का प्यार, मेरे नाना के यार, मेरे नाना के महबूब, मेरे नाना के मुहिब, मेरे नाना के यार सफर, मेरे नाना के यार हजर, मेरे नाना के यार गार, मेरे नाना के यार मिजार ने 2.5 साल तक मेरे नाना के दीन को, मेरे नाना के मसलक को, मेरे नाना के मजहब को, मेरे नाना की शरीयत की हिफाजतें की हैं। उन्हें मुर्तदीन से टक्कर लेनी पड़ी तो ले ली, अगर माने इन्हें जकात से टकराना पड़ा तो टकरा गए, मुसैलमा कज़्ज़ाब को कैफरे करदार पे पहुंचाना पड़ा तो पहुंचा दिया। लिहाजा पूरी जिंदगी मैंने 2.5 साल खिलाफत के दौर में उनके साथ भी गुजारे। मेरे नाना के ये यार, मेरे नाना के ये सुसर, मेरे नाना के ये बावकार साथी, ये अमीरुल मोमिनीन, मेरी पूरी जिंदगी में उनके लिए एक भी बोल उनके खिलाफ नहीं निकला, निकली हैं तो दुआएं निकली हैं। मेरा पैगाम ये है कि मेरा नाम लेके उनको गाली मत देना, उन्होंने मेरे नाना के दीन की हिफाजत की है। और ये मेरे नाना के वो यार हैं कि जिन्होंने मुझको हाथों में खिलाया, हाथों से खिलाया, गोद में बिठाया, कंधों पे उठाया, मुझसे प्यार किए, आंखों से देखा, मेरी ज़ियारतें हुई और मुझको देखते रहे, मेरे साथ उठते बैठते रहे। ओ बाद में आने वालों, मेरा नाम लेके तसव्वुर और ख्याल में मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझे उन हाथों को बुरा मत कहना मेरे नाम पे जिन हाथों ने मुझको अपने अंदर उठाया हुआ था, और उस गोद को बुरा मत कहना कि जिस गोद में उन्होंने मुझको बिठाया हुआ था, और उस सीने को बुरा मत कहना जिस सीने से उन्होंने मुझको लगाया हुआ था। कभी हुसैन का यह पैगाम भी मीडिया के नाम करके जरा दुनिया के लिए आम किया जाए। हजरत हुसैन पैगाम दे रहे हैं रजी अल्लाह तआला अन्हो, लोगों मेरी शहादत बहुत अजीम, मेरा यह मुकाम, लेकिन मेरी हिस्ट्री को मत भूलना, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरे दिन, मेरे शबो रोज, मेरा छोटापन, मेरा बचपना, मेरी जवानी और उसके बाद मेरा आगे के सिलसिले मत भूलाना। याद रहे जब ये आज में सफर हुए और आज में राहिए जो है आगे आदम हुए और उस दुनिया की तरफ चल निकले, उसके बाद मेरे नाना के दूसरे यार जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो, मेरे नाना के सुसर, मेरे नाना का प्यार, मेरे नाना की मुराद, मेरे नाना की दुआ, ये मेरे नाना के दीन को लेके आगे बढ़े। 10 साल से बढ़ करके हिफाजतें कर डाली और उसकी निगरानियां कर डाली, फौज और सिपा को किनारों पे लगा डाला, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैला डाला, मुझको हाथों पे उठाते रहे, सीने से लगाते रहे, कंधों पे बिठाते रहे, गोद में लेते रहे। आज मेरा नाम लेके मेरी अकीदत के नाम पे मेरे इस मुहिब को, मेरे महबूब को, मेरे नाना के प्यार को, नाना के दीन के मुहाफ़िज को गालियां मत देना। जो देगा मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन ये पैगाम नहीं दिया जा रहा। ये वो पैगाम है जो रवादारी का, जो अमन ला सकता है, जो दुनिया को सुकून दे सकता है, जो सारी दुनिया के अंदर हिफाजतें मुहैया कर सकता है। जनाबे हुसैन पैगाम दे रहे हैं लोगों, याद रहे जब ये चले गए, इनके बाद इनको जो है जिस टोले ने एक प्लान करके नमाज के अंदर अमीरुल मोमिनीन को, मेरे नाना के यार को, नाना के दीन के मुहाफिज को नमाज में इमामत करवाते हुए जिस तरह छुप के वार किया, मैं पैगाम दे रहा हूं अपनी सफों में इसी तरह के अबू लोलू फिरोज जैसे किरदारों को मत भूलिएगा, वो मेरे नाना के यारों के कातिल निकलेंगे। अगर कभी नस्ल देखनी हो, लड़ी ढूंढनी हो, और मुसलमानों के बड़ों वडेरों अमीरों के पीछे खुफिया हाथ देखने हो, तो अबू लोलू फिरोज का नाम लेके फिरोजा मत पहन लेना, उसके नाम की अंगूठियां मत बनवा लेना, उसके नाम की ईदें शुरू मत कर देना।
ये मेरे नाना के यारों के दुश्मन, मेरे नाना के दीन के दुश्मन हैं कि जिन्होंने ये कदम उठाया। इसके बाद याद रहे मेरे नाना के प्यार भी, मोहब्बत भी, हया वाले भी, जिनके आसमान के फरिश्ते भी हया करें। मेरे नाना के डबल और दोहरे दामाद और मेरे दोहरे खालू सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, वो मेरा प्यार भी, मेरी मोहब्बत भी, मुझको खिलाने वाले, पिलाने वाले, उठाने वाले, सीने से लगाने वाले, मैं उनको खालू खालू कहने वाला, उनके साथ चलने वाला, वो मेरे नाना के दीन की 13 साल हिफाजत करने वाले, उनको मेरे नाम पर बुरा भला मत कहना, गाली मत देना, जो देगा मुझे हुसैन से उसका ताल्लुक नहीं है। कभी ये पैगाम भी हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से, उनके जज्बात से, उनके हकायक से, उनकी तारीख से, उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी से, उनकी जिंदगी से, उनके तर्जमा से, उनके अखलाक, उनके प्यार से, उनकी जुबान मकाल, जुबान हाल से कभी दुनिया को ये भी सुनाया करो, ये भी पैगाम दिया करो, ताकि दुनिया में अमन आए, कहीं झगड़ा ना हो, कहीं फड्डा ना हो, इतने हजारों करोड़ों अरबों खरबों लुटाने ना पड़े और पूरी कौम को हालत जंग में ना डालना पड़े, गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेबाओं और बेबसों के लिए ट्रैफिक को मुअत्तल ना करना पड़े, बाजारों, कारोबारों को बंद न करना पड़े। हजरात, वो भी मोहब्बत हुसैन के नाम पर, लेकिन पैगाम हुसैन को कौन सुनेगा? सैयदना हुसैन कहते हैं लोगो, मत भूलना उस पैगाम को कि जब सैयदना हुसैन के सामने, मेरी नजरों के सामने, मेरे नाना के शहर में, मेरे नाना के दीन के मुहाफिज अमीरुल मोमिनीन जनाबे उस्मान को, जनाबे गनी को क्या किया गया? मुहासरा कर दिया गया। जिन लोगों ने मुहासरा किया उनको मत भुलाना, जिन्होंने 40 दिन पानी बंद रखा उनको मत भुलाना, जिन्होंने मेरे इस खालू को पानी की बूंद बूंद पे तरसाया उनको मत भुलाना, और उनको याद रखना। यह सवाई टोला, यह यहूदी टोला, यह पीछे अपने नजरियात रखने वाला टोला, ये सामने आके बराबर ना लड़ सकने वाला टोला, ये मुसलमानों की सफों में घुसने वाला टोला, ये वहां पे मदीने के हरम को बर्बाद करने वाला टोला, सबसे पहले अगर मदीने की इज्जत और हरमत को लूटा है, लोगों यजीद का नाम 60 साल बाद में कहीं जाकर के आएगा, उससे पहले जिन टोलों ने लूटा और मदीने के हरम को बेहरम किया, बेइज्जत और बेआबरू किया, आज दुनिया की जुबान पर उनका नाम क्यों नहीं आता है? कौन थे ये? सैयदना हुसैन पैगाम दे रहे हैं, जिन्होंने मेरे इस खालू का खून मेरे महबूब के पढ़ाए हुए कुरान के सफहात पे डाला। इनको याद रखिएगा, जिन्होंने सैयदा नाइला की उंगलियां कटवाई, याद रखिएगा, जिन्होंने इस तरह के जुल्म ढाए मजलूम मदीना बना करके, और मुसलमानों के अय्यामे हज के अंदर जब लोग हज पे गए हुए थे पीछे से ये कोहराम मचाया, इनको मत भूलिएगा। जब तुम मेरे कातिल तलाश करने लगोगे कि तुम आसानी हो जाएगी, तुमको एक लड़ी मिलेगी। हजरत, इसके बाद मेरे बाबा अली आए, 4 साल मुझे मजीद उनके साथ गुजारने के लिए मिले। आज लोगों के कहने पे वो मेरे नाना का शहर छोड़ने लगे। मेरे बड़े भाई हसन ने लगाम थाम ली और उनको रोकने लगे कि अब्बू जान ये क्या किया जा रहा है, अब्बू जान मामला क्या हो रहा है, अब्बू जान ये सूरत हाल क्या हो रही है, हमें भी तो कुछ समझाइए, आप नाना के शहर को क्यों छोड़ रहे हैं, आप नाना के दारुल हुकूमत को क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आप नाना के इस जो है प्यार को, मोहब्बत को क्यों छोड़ के जा रहे हैं। हजरात, ये सारी चीजें दुनिया जब देखेगी तो समझ आएगी पैगाम हुसैन ये है कि इस वक्त अब्दुल्ला बिन सलाम, जिन्होंने यहूदियत में भी दिन गुजारे, यहूदियों की सरिश्त को भी जाना और उनकी हकीकतों को जानते थे, आलम थे, कहने लगे या अमीर अल मोमिनीन, ए अली, ए हसन के बाबा, ए हुसैन के अब्बू जान, ला तखरुज मिन्हा, आप मदीने से, नबी के शहर से, मदीनतुर रसूल से और दारुल खिलाफा से मत निकलिए, वल्लाही ला इन खरजत मिन्हा, अल्लाह की कसम अगर आज आपने इस शहर को छोड़ दिया, ला यऊदु इलैहा सुल्तानुल मुस्लिमीन अबदा, मुझे लगता यूं है कि फिर साजिशें इतनी हो जाएंगी, फिर पूरी जिंदगी कयामत तक के लिए मुसलमानों की बादशाहत मदीनतुर रसूल में नहीं लौटेगी, उनकी हुक्मरानी यहां नहीं आएगी, इस्लाम का बोलबाला यहां से फिर वह नहीं होगा। अलविदाया 7वां जुज है, सफा 251 पे देखिए, आपके बड़े बेटे हसन आगे बढ़े, सैन पीछे खड़े हैं, क्या कह रहे हैं? लकद नहीतुका अनिल खुरूज, बाबा जान हम आपको कह रहे हैं, बेटे हैं, छोटे हैं, क्या हुआ, ना निकलिए, लोगों के कहने पे, ये कूफा के बुलाने वालों पे, आप हमारे नाना के शहर को ना छोड़िए, हमारी इस जन्मभूमि से कदम ना उठाइए, यहां से आप ना निकलिए, फअसैतनी, आप हमारे इनकार कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, आप निकल रहे हैं, तुक्तलु गदन,
بمضیت لا نامر لک, ہمیں یوں لگتا ہے کہ پھر جہاں آپ کو محبت کے نام پہ بلایا جا رہا ہے کل انہی گلیوں کے اندر آپ کو شہید کر دیا جائے گا, ہم آپ کو ادھر جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. کوفہ والوں میں ہمیں وفا نہیں لگتی. البدایہ جلد ساتویں صفحہ 251 کے اوپر حضرات بیٹے روکتے رہے اور پھر وہی ہوا, شیعوں سے تنگلی, جو بچے کہہ رہے تھے, جو جناب حسن سمجھا رہے تھے, جو عبداللہ بن سلام پیغام دے رہے تھے اور سیدنا علی کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا. کوفہ کے اندر سیدنا علی اپنے دور خلافت میں اپنے شیعان سے تنگ اور نالا رہے, کبھی فرمایا میں آپ سے سخت تنگ ہوں, کبھی فرمایا جو سلوک تم مجھ سے کر رہے ہو اس سے تو مجھے موت محبوب ہے, کبھی کوفہ والوں کو کہتے ہیں اللہ کرے تمہیں سیدھی راہ نصیب نہ ہو, کبھی فرمایا تم میرا حکم نہیں مانتے تمہارا برا ہو. حضرات کتابیں میری نہیں ہیں, نہج البلاغہ ہے صفحہ 447 ہے, امامیہ کتب خانہ لاہور ہے صفحہ 146 166 اور 199 ہے, جلاء العیون ہے جلد پہلی ہے صفحہ 343 ہے, جس سے بیٹے روک رہے تھے پیغام حسین کو جب نہیں لیا گیا تو باپ علی کو کوفہ کی سرزمین میں یہ شکوے اٹھانے پڑے تھے. اور ایک دن وہ بھی آیا جب سیدنا معاویہ سے کہنے پڑا, معاویہ اگر اپنے ایک ساتھی کو دے کے مجھ سے 7-10 ساتھیوں کو سودا کر لے تو میرے لیے سودا خسارے کا نہیں ہوگا. حضرات وفاداروں کے سودے نہیں کیے جاتے, بے وفاؤں کو بیچا جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر یہ سارے سین ہم نے دیکھے, جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ, پھر پوری دنیا نے دیکھا وہی کچھ ہوا جس کا خطرہ تھا. کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ کو عبد الرحمن بن ملجم نامی کردار کے ساتھ ایک خارجی نے, ایک کوفی نے, ایک شیعہ نے شہید کر دیا. حضرات یہ قوم تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, جناب حسین پیغام دے رہے ہیں میرے آپ نے نانا کے یار ثانی کو دیکھا شہید کر دیے گئے, یار ثالث کو دیکھا شہید کر دیے گئے, یار رابع کو, میرے پیغمبر کے داماد کو اور میرے نانا کے داماد کو, میرے ابو جان کو, میرے امی کے شوہر کو اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کو کوفہ میں بلا کے جنہوں نے شہید کیا, لوگوں ان کو مت بلانا, غیر کی بات پر آئی ہے ہم نے اپنوں سے چوٹ کھائی ہے. غیر کی بات پر آئی ہے ہم نے اپنوں سے چوٹ کھائی ہے. حضرات یہی وہ لوگ کہ جو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد معاملہ یہ ہوا تھا کہ جناب امیر معاویہ نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, دین اسلام کی زندگی مانگی, قصاص مانگا. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے قصاص کی بات کی اور ہم نوائی ہوئی, حضرت علی نے ساتھ دیا تو سب سے پہلے ہمارا سبائی ٹولہ ختم ہوگا. یہی لوگ ساتھ ملے, جناب علی کی محبت کا نعرہ لگایا, نحن شیعتک, ہم آل بیت کے محب, آپ کے ماننے والے. حضرات معاملہ جہاں تک چلا دنیا نے دیکھا, جنگ جمل کے اندر 10,000 آدمی, جنگ صفین کے اندر جب صلح ہونے لگی, واقعہ تحکیم ہونے لگا, 40,000 مسلمان کا خون دونوں طرف تیر جو ہے مار کے مسلمانوں کو لڑا کے, یہ آپس میں لڑیں گے تو خیر ہوگی, لڑاؤ اور حکومت کرو, اگر یہ دونوں مل گئے تو پھر ہم مجرم پکڑے جائیں گے. حضرات ساری دنیا دیکھ رہی ہے جو ہوا, اللہ اکبر اللہ اکبر, سیدنا علی شہید کر دیے گئے. بعد میں ان کے بیٹے جناب حسن جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کی امارت کی زمان سنبھالتے ہیں. پیغام حسین لوگوں, معاویہ کے بعد, سیدنا معاویہ کے بعد یزید کے بیٹا جو ہے وہ امیر بننے پہ آپ بہت دنیا کو بلکتے تڑپتے روتے تڑپتے دیکھیں گے. بڑے بڑے جو ہے سکالر بولیں گے, بڑے بڑے تحریریں کرنے والے, لکھنے والے, تقریریں کرنے والے, بیانات اور خطاب والے جملے کسیں گے, ملوکیت چھا گئی, ملوکیت لے گئی, باپ کے بعد بیٹے میں حکومت چلے گئی, اسلام کا توازن بگڑ گیا, رخ بدل گیا. نہیں, میں حسین عادل نبی کا بیٹا, میں عادل نبی کا نانا, میں عادل پیغمبر کا عادل کرنے والا شخص یہ پیغام دے رہا ہوں. میں نے نانا سے جو عدل کی تعلیم دی تھی یہ الزام ان پہ مت دینا, اگر دینا ہوا تو اس کی بنیاد سب سے پہلے میرے بابا علی کے بعد بیٹے حسن کے آنے میں. اگر باپ کے بعد بیٹے کا بننا ملوکیت ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے, تو یاد رہے میرے بڑے بھائی حسن. اور جب 6 ماہ پھر یہی وہی لوگ ملے اور نعرہ لگایا کہ ہم آپ کے محب, ہم آپ کے چاہنے والے, ہم اہل بیت کے چاہنے والے, 6 ماہ تلک لوگ ساتھ رہے. حضرات کبھی تاریخ کے ان اوراق کو کھول کے تو پڑھیے, آج تک سنتے سناتے آئے یہ سارے محبت کرنے والے
جب محبت کی جائے تو دل سے کی جاتی ہے یا مقاصد کے لیے کی جاتی ہے؟ لیکن جب یہی جناب حسن نے اپنے نانا کی خوشخبری کو دیکھتے ہوئے اور پیشین گوئی کو دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑا کام کیا، مسلمانوں کو جنگ جمل جنگ صفین میں لڑتے مرتے اور مسلمانوں کی یورش اور شورش کو کم کرتے ہوئے جناب معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر ڈالی، حضرات یہی حسن پھر برے کیوں ہو گئے؟ پتا تھا کہ جن کے لیے ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا اور ان سے محبتوں کا اظہار کیا تھا یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا، لیکن جب صلح ہوئی، جناب حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی، تو یہ وہی سبائی ٹولہ جو اس وقت بابا کی صف میں آ گیا تھا، بعد میں جناب حسن کی صف میں آیا تھا اور شیعان علی کا نعرہ لگایا تھا، آج شیعان حسن بنے تھے، حب حسن حب اہل بیت اطہار کے نعرے لگائے تھے، جو سلوک کیا کبھی تاریخ کو پڑھنا، آج سارا میڈیا بول رہا ہے کہ جناب حسن کو زہر دے دی گئی تھی۔ کبھی یہ بھی پوچھا آپ نے زہر کس نے دی تھی؟ کبھی یہ بھی پوچھئے یا مذل المسلمین یہ اپنوں نے کیوں بولا تھا؟ وہی جو ابھی ابھی محبت حسن کے نعرے لگا دے تھے، کیوں کہہ رہے تھے او مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے حسن؟ یہ رویہ تھا ان کے بولنے کا معاذ اللہ، یا آرن علی المومنین، اے مومنوں کے لیے ننگے آر، باعث آر، کس کو کہا جا رہا ہے؟ جناب حسن کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اپنے۔ یا مسود وجوہ المسلمین، معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمانوں کے چہروں کو کالا کرنے والے حسن۔ اور حضرات کبھی ہسٹری پڑھیے گا، گھوڑے سے پکڑ کے گھسیٹ کے نیچے کون کھینچ رہا تھا؟ یہ اپنے تھے، سبائی ٹولا تھا، اور محبان تھے، وہ عاشق تھے جو نعرہ لگا رہے تھے ہم آپ کے، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ حضرات پھر جو ہے ان کی رانوں میں خنجر کون مار رہا تھا؟ تاریخ کے اس خنجر سے پوچھئے، خنجر سے نکلنے والے خون سے پوچھئے۔ اور جب جناب حسن نماز پڑھ رہے تھے، نیچے سے جائے نماز کو گھسیٹ کون رہا تھا؟ اپنے ہی تھے۔ حضرات یہ چادر پکڑ کے گھوڑے سے گلے میں ڈال کے اتارنے والے کون تھے؟ یہ سارے جناب حسن سے کبھی پوچھئے گا۔ پیغام حسین سنیے کہ یہ جو میرے بھائی کے دشمن تھے ان کو مت بھولیے گا، کل جب میری دشمنی کی بات ہوگی تو ان کا نام آئے گا۔ حضرات پھر پیغام حسین، میں نے 40 سال پہلے اور اب، لوگوں ذرا توجہ کرنا، 7 سال نانا کے ساتھ، 2.5 سال نانا کے یار اول کے ساتھ، 10 سال سے متجاوز نانا کے یار ثانی عمر فاروق کے ساتھ، اور اس کے بعد 12 کے لگ بھگ سال جو ہیں وہ میں نے جناب عثمان کے ساتھ، اور پھر اپنے باپ کے ساتھ 4 سال، اپنے بھائی کے ساتھ 6 ماہ، اور پھر میں نے 20 سال گزارے ہیں امیر معاویہ کے ساتھ۔ حضرات یہ پیغام حسین کیوں نہیں دیا جاتا؟ جاؤ پوری دنیا مل کے ان 20 سالوں کے اندر سیدنا حسین کی زبان سے ایک جملہ تو دکھا دے جو جناب معاویہ کے بارے میں نکلا ہو، جسے آج دنیا بیان کر رہی، ان کے بارے میں گالی نکلی ہو۔ آج امن کی بات کی جاتی ہے، پیغام حسین کی بات کی جاتی ہے، ان کی سیرت کو مشعل راہ بنانے کی بات کی جاتی ہے، یا ان کے نام کے اوپر وہ باتیں کی جاتی ہیں؟ حضرات امن دیکھا، 20 سال میں اسلام کی شہرت دیکھی اور اس کا وہ مقام دیکھا، بحر و بر میں حکومتیں دیکھی، بحری بیڑے دیکھے، ہر طرف اسلام کو پھیلتے دیکھا، اور ان دنوں میں جناب حسین کا پیغام ہے، لوگوں جاؤ ڈھونڈو میرے نانا کے یار ثانی، یار ثالث، یار رابع، میرے باپ اور میرے بھائی کو ذلیل و رسوا کرنے والے، شہید کرنے والے۔ یہ ٹولہ انڈر گراؤنڈ کیوں ہو گیا تھا؟ ان کے انڈر گراؤنڈ ہونے کو بھی یاد رکھنا، انڈر ورلڈ کو مت بھولنا۔ یہ 20 سال کہاں تھے؟ کہاں چھپے رہے؟ جب 20 سال کے بعد اسلام کو پوری عروج کے بعد، شان کے بعد، عزت کے بعد، رفعت کے بعد، مقام کے بعد، عظمتوں کے بعد، وسعتوں کے بعد اللہ رب العزت نے اس شان سے نوازا، فتوحات ہوئی، بحر و بر میں جھنڈے گڑے اور اسلام خوب پھلا پھولا، یہ قاتلین عمر، قاتلین عثمان، قاتلین علی، یہ جو ہے مذلین حسن انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے۔ آج سبائی ٹولے نے دیکھا کہ اس وقت پھر ایک مرتبہ مکمل ہولڈ جو ہے 61 ہجری کے اندر کن کے ہاتھ میں چلا گیا ہے؟ جناب یزید۔ یہ یزید کون ہے؟ حضرات یہ امیر 38 سال کی عمر میں مسند خلافت پہ فائز ہوئے، خلیفہ بننے سے 10 سال قبل ولی عہد رہ چکے، حدیث مغفور کے مصداق ٹھہرے، غزوہ قسطنطنیہ میں سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے، 50 میں، 51 اور 52 میں 3 سال مسلسل حج کے امیر کے فرائض سر انجام دیے، اور جناب حسین ان کی قیادت میں رہے، لاکھوں مسلمان بشمول ہزاروں صحابہ کرام جن میں سیدنا حسین بھی ہیں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ چکے، سیدنا حسین کی بھتیجی سیدہ ام
جو ہے محمد بن عبداللہ بن جعفر تیار امیر یزید کے حرم میں موجود ہے، اگر گواہی دیکھنی ہو تو جمہرۃ الانساب صفحہ 62 پہ اور کتاب نسب قریش صفحہ 82 پہ ان چیزوں کی ذرا حقیقت کو دیکھ لیجئے گا، چیک کر لیجئے گا۔ یہ شخص جب آیا سبائی ٹولے نے دیکھا، ہولڈ ایک بار پھر جو ہے مکمل یزید کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ 258 صحابہ اس وقت جو ہے وہ بیعت کر چکے، باقی بھی کرنے والے ہیں جو دو رہ گئے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں نے پھر کیا کیا، سر جوڑ کے بیٹھے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے لڑایا جائے۔ نئی پلاننگ تیار کی گئی کہ جناب حسین کو حب علی کے نام پہ بلایا جائے، حب اہل بیت کے نام پہ نعرہ لگایا جائے، ان کی آڑ کے اندر ان کو تحفظ کے لیے بلایا جائے، شہید کر کے نام جو ہے یزید کا لگا دیا جائے اور عالم اسلام کو پھر سے لڑا دیا جائے۔ کوفے سے پلاننگ کے تحت ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، لاکھوں خطوط پہ در پہ سینکڑوں ہزاروں خطوط بڑھے۔ حضرات، ہم آپ کے محب، ہم آپ کے بھائی، ہم آپ کے بابا علی کے محب، ہم آپ کے بھائی حسن کے محب، آئیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ یزید کی بیعت مت کرنا۔ اور لفظ کیا لکھے ہیں، بدایہ جلد 8 ہے صفحہ 558 ہے، اقدم العراق، آپ عراق آئیے، ہم شیعتک و شیعت ابی، جناب وہ آپ کے بھی شیعہ، آپ کے باپ کے بھی شیعہ، وان الحسین بعث الیہ اہل الکوفہ، حسین کی طرف کوفہ والوں نے خط لکھے، ان معک 100,000، آپ کے ساتھ 100,000 آدمی بیعت کرنے کو تیار ہے۔ فبعث الیہم مسلم ابن عقیل، حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ مسلم بن عقیل کو حالات جاننے کے لیے بھیجا۔ حضرات، البدایہ جلد 7-8 اور صفحہ جو ہے 566، 100,000 آدمی بیعت کرنے کو تیار، مسلم بن عقیل روانہ ہو گئے، جا کر حالات کا جائزہ لینے لگے۔ جب وہاں پہنچے تو پہلے 12,000 آدمی بیعت کے لیے امڑ آئے، پھر 18,000 تک ہو گئے، پھر پورے کا پورا کوفہ امڑ آیا۔ جب دیکھا کہ سارا کوفہ، یہ لاکھوں جتنے خطوط جا رہے تھے، وہ لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، جناب مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے، آ جائیے، حالات سازگار ہیں۔ لیکن جب جو ہی ادھر سے قاصد لے کے خط روانہ ہوا، پیچھے سے جو ہے چہرے بدل گئے، رخ بدل گئے، انداز بدل گئے، وہی جو کل کو محبت کی بات کر رہے تھے، بیعت کی بات کر رہے تھے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہو گئے، جنہوں نے ساتھ رہنے کی قسمیں کھائی تھی وہ ساتھ چھوڑ گئے۔ اور یہ حالات کیوں ہو گئے؟ حضرات، سوال کبھی تاریخ سے کیجئے گا کہ مسلم بن عقیل کو جب بلایا گیا، 100,000 آدمی جو بیعت کر رہا تھا، جب مسلم بن عقیل کے ساتھ اکیلے 500 رہ گئے، پھر 300 رہ گئے، پھر 30 تھے وہ بھی بھاگ گئے، پھر باقی 10 رہ گئے، پھر کوفہ کی گلیوں میں اکیلے جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ایک تجزیہ نگار، ایک اینکر پرسن کبھی اپنی تحقیق کا رخ اس طرف بھی موڑے، وہ 100,000 لوگ کہاں مر گئے تھے کہ جنہوں نے ان کو بیعت کے لیے بلا کے واپسی ان کو بلانے کے لیے خط لکھوایا تھا۔ پیغام حسین کو یاد رکھیے گا، دھوکہ دینے والوں کو مت بھولنا۔ اس تاریخ کے اس گوشے میں چھپے ہوئے، اس دبے ہوئے گرد و غبار کے نیچے ان حالات کو بھی دیکھیے گا، کتنا معصوم بنا دیتا ہے انسان کا خلوص کہ دشمن پہ بھی محبت کا گما ہوتا ہے، کہ دشمن پہ بھی محبت کا گما ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ حضرات آگے بڑھتے ہیں، دوسری طرف ذرا روکنے والوں کو بھی دیکھیے۔ جب یہ آئے تھے نا یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، اور ابو کو کہنے لگے، ابو بھیجتے کیوں نہیں، آپ کل ہمارے ساتھ بھیجئے، جو دل سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں اظہار نہیں کرتے، ان کا انداز دیکھیے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، یار دل نہیں کر رہا کہ تم کو بھیجوں، اے تمہارے ساتھ بھیجوں، اس راستے میں مجھ کو ہلاکت نظر آ رہی ہے، دوریاں بہت نظر آ رہا ہے۔ حضرات، دل کے اندر کی دھڑکن، آئیں، مسلمان حج کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور اونٹ تیار کر رہے ہیں، منا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جناب حسین کو خطوں کے نام پہ اور مسلم بن عقیل کے واپسی جواب پہ بلایا جا رہا ہے۔ سیدنا حسین جب تیاری کر رہے ہیں، اہل بیت کو ساتھ لے رہے ہیں، اس وقت روکنے والوں کو دیکھیے با وفا کتنے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے روکا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ قال عراق و شیعتی، عراق اور میرے شیعہ وہ بلا رہے ہیں، انی اتخوف علیک فی ھذا الوجہ الہلاک۔ عبداللہ بن عباس بولے، او حسین یاد رکھ، اس راستے کے اندر مجھے صرف ہلاکتیں نظر آ رہی ہیں، تیری تباہی نظر آ رہی ہے۔ ان اہل العراق قوم غدر، اصول یہ ہے کہ عراقیوں سے کبھی وفا نہیں ہوئی، یہ دھوکہ دینے والے ہیں۔ فلا تغترن بهم، ان سے دھوکہ مت کھا، انی لاظنک ستقتل غدم بین نسائک وبناتک، مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ بلا کے کل آپ کو آپ کی بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کے سامنے شہید کر دیں گے۔ حضرات، عبداللہ بن زبیر نے روکا، اینت حسین کہاں جا رہے ہو؟ الی قوم قتلوا اباک،
उस कौम की तरफ जिन्होंने आपके बाप को बुला के शहीद किया, वतानु अखाक, और आपके बड़े भाई को जख्मी किया। अब्दुल्लाह बिन उमर ने रोका, और जब ना रुके तो कफे अफसोस मलते हुए कहने लगे, गालबाना हुसैन इब्न अली बिल खुरूज, हमने बहुत रोक रोक के देखा लेकिन हुसैन ने हमारी एक नहीं मानी। चौथे नंबर पर अब्दुल्लाह बिन अमर ने रोका, वल्लाह रोका नहीं बल्कि कहने लगे, ये उस वक्त वहां नहीं थे, वल्लाही लौ अदरकतुहु मा तरकतुहु यखरुज इल्ला अन यग्लिबनी, अगर हुसैन गुजरते मेरी लाश से गुजरते मैं वहां होता, हुसैन को कभी कूफे ना जाने देता। अब्दुल्लाह बिन मुती ने रोका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप इराक ना जाएं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने रोका, बकर बिन अब्दुल रहमान बिन अल हारिस ने रोका और कहने लगे, कद्र आईता मा सना अहल अल इराक बि अबीक व अखीक, ए हुसैन तूने देखा नहीं तेरे बाप के साथ तेरे भाई के साथ अहले इराक ने क्या किया था, वादा किया था और तलवारें गैरों के साथ मिल गई थी, आज तेरी जो है बैत का वादा कर रहे हैं, कल को तलवारें इनकी तेरे साथ नहीं होंगी, तुझे सरेआम रुस्वा कर देंगे, नहीं जाइए। अब्दुल्लाह बिन जाफर ने रोका, अमरा बिनत अब्दुर्रहमान ने रोका, अमर बिन सईद ने रोका, मिसवर इब्ने मकरमा ने रोका और हजरत कहने लगे, इय्याका अन तगतर्रा बिकुतुब अहलिल इराक, उनके खतों पे ना जाइए, धोखा है। मोहम्मद इब्नुल हनफिया अपने भाई ने रोका, हत्ता कि उन्होंने अपनी औलाद को भी साथ जाने से रोक दिया। अपनी वफा की कदर किसी से ना हो सकी, उनकी जिफा पे सारा जमाना नसार था। ये जो रोकने वाले, मोहब्बत करने वाले, दिल देने वाले, ख्याल रखने वाले, हकीकत समझाने वाले, रास्ते की ऊंच नीच समझाने वाले, कल और माजी के ऊपर नजर रखने वाले, ये वफादार रोकने वाले, ये तेरी नजर में आज बुरे बन गए, ये दिल बन गए, और जिन्होंने बुला के धोखा दिया वो बावफा बन गए। हजरत कभी देखिए आगे बढ़िए, अबू सईद खुदरी रोक रहे हैं, या अबा अब्दुल्लाह, ए अबा अब्दुल्लाह, ये कुनियत है सैयदना हुसैन की, इन्नी लकुम नासे, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, व इन्नी अलैकुम मुशफिकुन, मुझे आप पे डर लग रहा है, वकद बलगनी अन्नहु कद कातबका कौमुन मिन शियातिकुम, आपके शिया लोगों ने आपको खतो किताबत की है, बिलकूफा कूफा से, यदउनक आपको बुला रहे हैं, इलल खुरूज इलैहिम, कि आप उनके पास चले जाएं, फला तखरुज इलैहिम, उनकी तरफ नहीं जाइए, फ इन्नी समीतु अबाक, मेरे कानों ने आपके बाबा अली को सुना था, यकूलु बिलकूफा, वो कूफा में कह रहे थे, वल्लाही लकद मललतुहुम, मैं इनसे थक चुका, व अब गज़तुहुम, और मेरे दिल में इन कूफा वालों की नफरत पैदा हो चुकी, व मल्लूनी, और इन्होंने मुझको थका डाला, व अब गज़ूनी, और मेरे दिल में अपने लिए बुग्ज पैदा कर डाला, व मा यकूनु मिनहुम वफाउन कत, इनसे कभी वफा नहीं होती। रास्ते में फरजदक शायर मिला, वो कहने लगा, सालहुल हुसैन व अहलिल कूफा, अहले कूफा के बारे में सवाल किया, कहने लगे, कुलूबुन नास माक व सुयूफुहुम मा बनी उमैया, उनका जाहिर जो है वो आपके साथ है लेकिन अंदर से वो उनके साथ मिले हुए हैं, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बावफा की थी, अगर यकीन नहीं आता तो अपनी किताबों में से रोजतुल असफिया सफा 252 तबा लाहौर को उठा के देख लीजिए। हजरत बात आगे बढ़ती है, सहाबा किराम समझते थे ये सबाई टोला है, इन्होंने उस्मान को भी शहीद किया, जनाब उमर को शहीद किया, सैयदना अली को शहीद किया, सैयदना हसन को जलील किया, ये हुसैन के खैर खा नहीं हो सकते, ये मुसलमानों के पहले दिन से दुश्मन चले आ रहे हैं, कत्ल करते जा रहे हैं, यही वजह है कि उनमें से एक ने नहीं 20 सहाबा ने रोका, जनाबे हुसैन को मना करते रहे कि कूफा वालों में वफा नहीं, अलकूफी ला यूफी, याद रहे। जनाबे हुसैन को जब मुस्लिम बिन अकील और अपने कासिद कैस बिन मिसर ये आगे निकल गए, रास्ते में पहुंचे कि अपने दूसरे कासिद कैस बिन मिसर के कत्ल की भी इत्तला मिली। हजरात कभी तड़प के सुनिए, देखिए हकायक को, कभी तारीख को पढ़िए, ये मक्के से निकलता हुआ रास्ता, अल्लाह अकबर, रास्ते में ये कासिद दूसरा भी शहीद कर दिया गया। मेरा सवाल ये है, ये बैत करने वाले 1,00,000 लोग कहाँ पे थे? तो जनाब हुसैन ने ये नहीं कहा, खजलना इब्न मुआविया, लोगों नोट करो, मुझे मुआविया के बेटे ने जलील कर दिया, खजलना यजीद, अहले बैत को जो है यजीद ने बर्बाद कर दिया, खजलना यजीदियून, या यजीद का साथ देने वालों ने हमें रुसवा किया, बल्कि तारीखी जुमला कह डाला। हवाला नोट कीजिए, बिदाया है, जिल्द 7-8 है, सफा 563 है, खजलतना शियतुना, हमें हमारे अपने साथियों ने, हमारे शिया ने, हमारी कौम ने, हमारे बुलाने वालों ने, हमारे मुहिब्बान ने हमको जलील और रुसवा किया, जिनको समझ रहे थे हम दोस्ती के फूल, हाथों में चुभ गए वही खार की तरह। पैगाम हुसैन के इस रुख को भी कभी दुनिया में आम किया जाए। जनाब हुसैन ने मामलात का जायजा लिया, सूरत हाल को भांप गए। हजरात में बात को शार्ट कर रहा हूं, तारीख बहुत कुछ दे रही है, आगे चलते हैं। कूफा वालों की बेवफाई को जब देखा, शिया लोगों की गद्दारी को देखा, मुस्लिम बिन अकील की शहादत को देखा, कैस बिन मिसर की हलाकत को देखा, दूसरी तरफ अहले कूफा के खतों को देखा, एक तरफ वालिद के अंजाम को देखा, दूसरी तरफ भाई से उनकी बेवफाई को देखा, और एक तरफ बेशुमार सहाबा किराम के रोकने को देखा, माजी और हिस्ट्री पे नजर दौड़ाई तो सूरत हाल को आप गए, तो सिर्फ मुझे, ये तो मुझे बुला रहे हैं कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए, लिहाजा अपने आप को जब मुंह के मौत के मुंह में देखा, अपने वो बयानात कलम बंद करवाए, जो एक मरते दम एक आदमी
मकतूल जो है कलम बंद करवा डाले तो कत्ल के अंदर और कातिल को पकड़ने के अंदर उनका बड़ा किरदार होता है, निशानदेही करता है और इस पे पहुंचने में मदद देता है। मैं और आप एक मोमिन होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते, मुहिब्बे हुसैन होने के नाते हमें पता होना चाहिए कातिल कौन है। आइए जनाब जवाब सुनिए, बयान आखिरी कलम बंद करवा रहे हैं। इस वक्त रावी कहता है, क्या कह रहे हैं, यकरा उल कुरान, मैं आपको कूफे और मक्के के दरमियान एक मंजिल में देखा, बियाबान जंगल है, सहरा है, अहले बैत के साथ सैयदना हुसैन बैठे हैं, बिल्कुल चटियल मैदान है सहरा की सरजमीन में, यकरा उल कुरान, हुसैन की जुबान कुरान पढ़ रही है, वद्दमू वतसीलु अला खद्दे, और उनके आंसू जो है वो उनके इस गालों के ऊपर वाले है, अपनी दाढ़ी पे बह रहे हैं, भीगी हुई है। मैंने पूछा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मा अंजलका हादिल बिलाद वल फलात अल्लती लैसा बिहा अहद, ए हुसैन आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, इन जंगलों में, इन वीरानों में अहले बैत के साथ आपको किस चीज ने लाके खड़ा कर दिया। फरमाया, हादिही कुतुब अहलिल कूफा इलई, ये बोरी देखो, इसमें डले हुए बोरियों में खतूत देखो, कूफियों के मोहब्बत नामे देखो, उनके लेटर और दावते देखो, वला आराहुम इल्ला कातिलिया, मुझे लगता यह है कि ये खत लिखने वाले मेरे कल को कातिल निकल रहे हैं। जाओ पूरी दुनिया मिलके एक मर्तबा एक लफ्ज तो दिखा दे। सैयदना हुसैन की 57 साल जिंदगी एक दफा भी ये कहा हो कि मेरा कातिल मुआविया या मुआविया का बेटा है, मेरे कातिल मुआविया वाले या बनी उमैया के खानदान वाले हैं, मारा हूं इल्ला कातिली, मेरे कातिल अगर ढूंढ रहे हूं तो उनको देखना नहीं, नोट कीजिए, वला आराहुम इल्ला कातिलिया, ये खत लिखने वाले मेरे कातिल हैं। फाइदा फालू, मुसलमानों अगर उन्होंने ये कर दिया, दालिका ये काम, लम यदउल्लाही हुर्मतन इल्ला इंतहकुहा, उन्होंने फिर अल्लाह की हुर्मतों को पामाल कर दिया, फयुसल्लितुल्लाहु अलैहिम मन युदल्लुहुम, अल्लाह इनके ऊपर जिल्लतों को मुसल्लत कर देगा। सांप अगर डस ले तो है जहर का दरियाक बहुत, आदमी अगर डस ले तो हर सांस बिखर जाती है। हुसैन आज तेरी सांसें क्यों उखड़ी हुई है, तू आज रो क्यों रहा है, आज तेरे चेहरे पे आंसू क्यों है, आज दाढ़ी क्यों भीगी हुई है, कुरान की तिलावतों में आज आवाज भराई हुई क्यों है, वला अराहुम इल्ला कातिलिया का जुमले क्यों निकल रहे हैं, कहा कि इतनी वफाओं का यकीन दिला के आज मेरे साथ जो कर रहे हैं तो फिर आवाज भर रहा है, नहीं तो और क्या हो हजरत। और ये नहीं कहा कि देखो हाज़े ही कुतुब अहले शाम, ये शामियों के खत, वला अराहुम इल्ला कातिली, मैं उनको अपना कातिल तसव्वुर करता हूं, ये यजीदी और उनका टोला जब चारों तरफ से मौत को मुंडलाते देखा। हजरत जरा देखिए, दुनिया को पढ़ के देखिए, अगर आप जोग्राफिया से ताल्लुक रखते हैं, ये सैयदना हुसैन तो कूफा जा रहे थे, ये कूफा जाने की बजाय बाईपास को इख्तियार करते हुए नीचे नीचे हाथ जो है ये टर्न लेके दिमश्क के रास्ते के ऊपर करबला के मुकाम क्यों चले गए थे, कभी टर्न लेने का तो सोचना, ये बाईपास बाहर बाहर क्यों निकल गए थे, मुहिब्बान ने तो बुलाया था कूफा में, कूफा जाते ना, वहां बैत करने वाले पता था मेरे चचा के बेटे मुस्लिम बिन अकील भी शहीद कर दिए गए, मेरे कासिद मिस्र को भी शहीद कर दिया गया, और आज उनकी ये प्लानिंग, फिर पीछे बाप भी नजर आ रहे थे, पीछे खालू भी नजर आ रहे थे, पीछे जनाब उमर फारूक भी नजर आ रहे थे, और पीछे अपने भाई हसन की हिस्ट्री भी नजर आ रही थी, ये सारे मंजरनामे जब सामने आए तो उस वक्त दर्ज जैल तीन उमूर, हजरत हुसैन के इस पैगाम को दुनिया का हर फर्द नोट करे, कोई अपना नहीं, कोई बेगाना नहीं, मेरा दावा है आज का कोई फर्द उनकी शहादत में शरीक नहीं है, अपनों को मत मारो, ये उस दौर के बागी थे, ये उस दौर के बेवफा थे, वो जो भी थे अपने अंजाम को पहुंचे, मेरा रब उनको सजा दे चुका, देने वाला है, लेकिन उनके नाम पर अपनों में कत्लो गारत मत की जाए। जनाब हुसैन ने पैगाम क्या दिया, पहला नोट करो, मैं जहां से आया हूं मुझे वापस लौटा दिया जाए। दोस्तों ये जिस चीज के लिए खतों पे उभारते हुए निकले थे उनके सामने जब हकीकत आ गई, यारों का रोकना आ गया, 298 सहाबा की बैत आ गई, हालात सारी सूरत हाल नजर आ गई, खतूत नजर आ गए, बेवफाइयां नजर आ गई, तो जब आदमी अपनी किसी बात से रुजू कर ले तो उसको गलती कहते हैं। अक्सर लोग सैयदना हुसैन के जिम्मे लगाते हैं कि उनकी ये इज्तिहादी गलती थी। हजरात मैं कहता हूं जब उन्होंने रुजू कर लिया गलती नहीं है, उन्होंने रुजू कर लिया, नहीं चाहिए कूफा, नहीं चाहिए कूफे वाले, नहीं चाहिए खतूत, नहीं चाहिए ये बाबा अली के कातिल, नहीं चाहिए जनाबे हसन को जलील करने वाले, इनकी वफाओं को देख चुका, अगर ये इनमें वफा होती, बैत की हुर्मत होती,
मुस्लिम बिन अकील को शहीद क्यों होने देते? लोगों कभी तारीख में ढूंढो तो सही, मुस्लिम बिन अकील को बचाने के लिए किसी एक कूफी का खून बहा? आज सुन्नियों को, आज अहले हदीस को, आज वहाबियों को, आज देवबंदियों को हम एक दूसरे को कातिल कातिल किए कह रहे हैं, ये यजीदी टोला, ये फुला टोला। हजरत कभी सोचो तो सही, अगर वो बावफा थे तो ऐसे क्यों नहीं हुआ? एक आदमी तो आगे लड़के निकलता, लड़ता निकलता, आगे बढ़ता, तलवार उठाता, इनका साथ देता, कुछ बात होती, लेकिन नहीं आपको मिलेगा। हजरत ये टर्न ले चुके करबला के मुकाम पे, पीछे से जब कूफियों ने आके फिर दोबारा घेरा, अल्लाह अकबर, तलवारें निकली और सारा मामला जो है मुसलमानों के जिम्मे डाला गया। ये वही छुपे छुपाए सबाई टोला, यहूदी टोला, ये मुनाफकत की चाल चलने वाला टोला, ये पीछे एक हिस्ट्री में लंबी कत्लों की लाइन लगाने वाला, शहादतों को जो है वो दुनिया के सामने रखने वाला ये टोला, और फिर छुपने वाला टोला। इन लोगों ने जो कुछ किया उनके सामने क्या कह रहे हैं जनाब? मैं जहां से आया हूं मुझे वापस जाने दिया जाए। जवाब क्या आया? हिस्ट्री को पढ़ के देखो, वापस जाने दिया। 1,00,000 आदमी टकरा जाता हो, कम अज कम इनको वापस जाने दो या कूफे में आने दो, अगर कूफे में नहीं आने दे तो वापस जाने दो। हम गारंटी देते हैं, जो चौधरी होते हैं, इलाके के वडेरे होते हैं, अल्लाह ने उनकी पक की बड़ी लाज रखी होती है, उनके अंदर बड़ी गैरतें और हयाएं होती हैं, वो अपने इलाके में किसी गरीब पे जुल्म नहीं होने देते, अगर बुलाया हो तो उसका ख्याल रखते हैं, वापस नहीं जाने दिया। क्यों? बुलाया था यहां अपना काम करने के लिए, मकसद निकालने के लिए, वापस चले गए तो बचा क्या फिर? भाइयों दूसरी शर्त रखी कि मुझे अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास जाने दो, मैं उसकी बैत कर लूं। अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास जाने दो, मैं जिस रूट पे चढ़ चुका हूं मुझे मत रोको, मैं इस वक्त करबला में हूं, दमिश्क जाना चाह रहा हूं, मुझे उस रूट पे जाने दीजिए, बाकी जो 298 सहाबा ने किया मैं उसकी जाके बैत कर लूं, मुझे आपका धोखाबाजी हो गया। हजरत उस रूट पे भी नहीं चढ़ने दिया, जब इतने सारे खतूत, और हमने इसलिए तो नहीं बुलाया था आप उनके साथ मिल जाएं। और फिर तीसरी शर्त रखी, या मुझे सरहदों की तरफ निकल जाने दो, जहां मुसलमानों की फौज और सिपा काफरों के खिलाफ लड़ रही है, मैं भी वहां जाके जंग लड़ूं, जो है जिहाद करूं। दोस्तों अगर ये कुफर और इस्लाम की जंग थी तो मुझे ईमान से बताया जाए ये तीन शर्तें क्यों रखी गई थी, क्यों कहा था कि मुझे जाने दो सरहदों की तरफ? कहते यही जंग है, यही कुफर इस्लाम की जंग है, मैं यही लड़ रहा हूं। हर एतबार से सैयदना हुसैन ने, और अगर इसके हवाले देखने हो किताबु शाफी शरीफ मुर्तजा की, ये वो शख्स है जो नहजुल बलागा की तालीफ में भी शरीक है, सफा 471 पे देखिए, अल इमामा व सियासा जिल्द 2 सफा 6 मतबुआ मिसर 1356 हिजरी का तबा देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ द सारसियन जो है जस्टिस अमीर अली बाब 7 सफा 85 मतबुआ लंदन को देख लीजिए, तारीख तबरी जिल्द 2 सफा 243 को देख लीजिए, आपके सामने हकायक आ जाएंगे और जो कातिल है वो मिल जाएगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज मुसलमान अपने आप को बुरा कह रहा है। और दोस्तों याद रहे, अगर किसी ने कातिल को तलाश करना हो, मैं खुले लफ्जों में कह दूंगा हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। आखिरी बयान आप सुन चुके, आखिरी बयान जो दिया उन्होंने, और अगर किसी के घर से मकतूल जिससे शहीद किया गया, कत्ल किया गया, आला कत्ल मिल जाए तो पर्चे में असर होता है कि नहीं होता? आज तक दुनिया ने इंसाफ की अदालत में जमीर के पहरेदार को खड़ा करके, जज को खड़ा करके ये पर्चा क्यों नहीं काटा कि कातिल वही है जिसके पास आलाते कत्ल है? आज किसके पास है देख लो। और फिर अगर